राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से खबरों में है, मगर राम मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मंदिर के चलते इस छोटे से कस्बे में हुई टूट फूट और उसके अब राजनीतिक संदेश के कारण निकाले जा रहे हैं। अयोध्या के नागरिकों ने अपना गुस्सा चुनाव में निकाला तो उत्तर प्रदेश प्रशासन सतर्क हुआ और बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए। ये बदलाव क्या हैं और क्या इनसे जनता की नाराजगी दूर होगी, देखिए अयोध्या के ताजे हालात पर हमारी ये रिपोर्ट। वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा। अयोध्या का नाम लेने पर अब राम मंदिर का जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि ये गड्ढे और दहती दीवारें चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हुई पहली बारिश में ही विकास मानो धुलसा गया है। पहली बारिश में ही जहां अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई, तो वहीं श्री राम पथ की सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण वाहन फंस रहे हैं। ये गड्ढा किसी ऐसी वैसी सड़क पर नहीं हुआ है, बल्कि सीधे लता चौक से राम मंदिर को जाने वाले राम पथ पर। करीब 13 किलोमीटर लंबे राम पथ को रिकॉर्ड 10 महीने के अंदर तैयार कर जिम्मेदारों ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन पहली बारिश ने ही सब दावों पर पानी फेर दिया। अयोध्या का राम पथ बनाने में 2200 दुकानें, 800 घर, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजारें तोड़ी गईं। लोग कह रहे हैं कि बारिश ने भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार का राज खोल दिया है। और इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने एक और नया मुद्दा दे दिया। कहा कि बारिश में मंदिर की छत से पानी टपक रहा था, जबकि ये पहली बारिश है। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है, इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हालांकि श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मंदिर बिल्डिंग के डिजाइन में कमियों की बात को खारिज कर दिया है। बीजेपी के लिए अयोध्या में हार बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुल 33 सीटें मिली हैं। गठबंधन के साथ बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% कम हुआ है। 2019 में बीजेपी के पास गठबंधन को मिलाकर 64 सीटें थी। राम मंदिर बनने के बाद उम्मीद थी कि पुराने रिकॉर्ड को बीजेपी पार कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी के लिए विकास ही जीत का अवरोधक बन गई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में है और प्रशासन ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। एरो सिटी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 7 गांव के किसान विरोध कर रहे थे। अयोध्या के वाहन यानी UP-42 को शहर में एंट्री करने से अब नहीं रोका जाएगा। फ्लाईओवर नहीं बनेगा यानी पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे। विस्थापित दुकानदारों को 30% की छूट दी जाएगी। उन्हें बिना ब्याज दुकानों का आवंटन होगा। साथ ही 41 गांव नगर निगम में शामिल होंगे। ऐसे में इनकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर में रात 9 बजे के बाद VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आम श्रद्धालु भी 9:15 बजे तक ही राम मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। बता दें 1,800 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्से अब भी अधूरे हैं। पहली मंजिल का काम जुलाई के आखिर में पूरा हो जाएगा, वहीं दूसरी मंजिल बनने में अभी वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बीजेपी ने सोचा था कि अयोध्या का मंदिर निर्माण चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा, मगर देश भर की जनता ने भव्य मंदिर की तो वाहवाही की, मगर इसका राजनीतिक फायदा पार्टी को नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि राम भक्तों ने पार्टी को क्यों ठुकराया। क्या उत्तर प्रदेश राज्य का जातीय और सामाजिक समीकरण मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दे पर भारी पड़ा?